तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये पहले गाड़ी का। लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कमर की ना वाट लग जाती है। बैक तो कुशन मिलता है, आराम से चलाने में लगता है, कोई डर जैसा नहीं है। फटाफट लगाओ फटाफट। ये कुछ ऐसा क्या, ये हो गया रेडी, अभी हम निकलते हैं। अब निकल गए हैं हम लोग, एरिया में पता नहीं लोकेशन नहीं दिखा रहा है, लोकेशन नहीं दिखा रहा मेरे में। तो आई विल फॉलो शौभिक मुखर्जी फॉर द टाइम बिंग, के पीछे ही है। और मैंने अपनी बाइक नहीं ली है क्योंकि धन्नो बोल रही है थोड़ा आराम करना है उसने, तो वो अभी घर पे आराम करेगी। और मैंने रुदा की बाइक ली है और एक मीटियोर अपना शौभिक की नई बाइक वो ली है। अभी रास्ते में निकलते हो, अभी तो उसको फॉलो करके उसके पीछे पीछे जाना है, उसको पेट्रोल भी डलवाना है, उसके बाद मेरा लोकेशन वहाँ से पकड़ता है, तो फिर मैं अपना लोकेशन लगाऊंगा और फिर हम लोग जाएंगे किथे। वेट अ सेक, कहीं तो जाएंगे, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने पूरा ऊपर नीचे ब्लैक ही ब्लैक पहना हुआ है और एक तो नाश्ता भी नहीं किया है मैंने, तीनों को भूख लगी हुई है, सबको सुबह उठ के उठाना। और हम अपनी गली से निकल गए हैं वाशी सेक्टर 17 से और राइट में हमारे आ जाएगा पाम बीच रोड, जिसको हमें पकड़ते हुए जाना है। और ये सिग्नल्स आ जाती है ना, तो सिग्नल हो जाती है जीवन में। ये पाम बीच का रास्ता ना जबरदस्त है, बट वही है उसमें दिक्कत, सिग्नल आ गए थे तो लेकिन यहाँ पे धूप भी नहीं लग रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में पेड़ पौधे हैं बड़े 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 बड़े, धूप लेकिन क्या सही है मतलब अरे साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, इतना धूप नहीं लग रही होगी धीरे धीरे, ऐसा मौसम रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, बट और धूप लग दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बट वैसे भी ठीक है चलेगा, बाइक में तो धूप तो लगता नहीं है, हवा लग के रहती है, जैकेट खोल के रखा है मैंने, उतना धूप लग नहीं रहा है। अब वो भाग चुके आगे, अब उनके पीछे मैं कैसे जाऊं, बहुत आगे भाग गए हैं। किधर गए वो किधर गए, मुझे दिख नहीं है रहे, किधर गए भाई, सीधा गए लेफ्ट गए राइट गए किधर गए। तो यहाँ से हमने राइट लिया बेलापुर एंटर करने से पहले, ये शायद उलवे बन जाना रास्ता है, ये जे एन पी डी शायद जे एन पी डी पता नहीं है। हाँ भाई अरे ये अच्छा बन गया यार, ना एक डेढ़ साल पहले इधर आए थे, इधर फ्लैट देखने आए थे, हमको काफ़ी छोटा हुआ था, बन गया अभी आगे का पता नहीं। रुको रुको रुको, हाँ चलो, हाँ ये टीम पेटी पता ही रहा,
नवी मुंबई महानगर पालिका। मुंबई अपग्रेडिंग चारों तरफ कंस्ट्रक्शन 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 ही है। सही है, ऐसे ही चलते रहेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, हवा लग रही है, अपने पे हालत खराब जाता है। रुको रुको रुको, जर्किंग है जर्किंग। अच्छी बात है, जर्किंग होनी चाहिए। ये रोड बन गया है पूरा। मेड इन इंडिया है सब, मेड इन इंडिया। हाँ चलो, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ सही है। हल्की सी बारिश चाहिए थी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिल जाती तो अच्छा लगता है। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार चार आठ दिन का रोड बनाया है। सही है यार, लोकेशन तो नाकाम है तो भैया ऐसे कैसे, इनके पीछे पीछे चलते रहो भाई, चलते रहो। वाके से बोल रहा है, रास्ता दिखा दे। रुको 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 रुको, चलो तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है, वी आर गोइंग टू माथेरन। और ये जो रास्ता हमने पकड़ा है ना, बहुत सही रास्ता है यार, बहुत दिक्कत है। बोलते मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना कुछ चाहिए नहीं है, सब कुछ मेड इन इंडिया। बहुत सही रोड है, चाहे नामे का, चाहे नाले का, सही रोड दिखते आगे का भी। एक घंटा जाना आना है तो कम से कम ये देखा तो पता ही नहीं चलता है। भाई ने पीछे से हॉर्न बार बजा कर बताया कि मेरा स्टैंड ऑन था, पैं 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 करके मुझे समझ में गया, क्योंकि मैं तो उसे स्पीड ही चल रहा था।
बट वो हॉट नंबर में जा रहा है, तो मेरे को लगा कि कुछ तो है गाड़ी में पूरा फिल्टर। फिर मैंने क्या मुझे हवा में चलाया तो मुझे पता चला कि मेरा बाइक का स्टैंड है खड़ा, जो होना चाहिए नहीं। तो धन्यवाद उस भाई का, तो देखा नहीं, जाना नहीं, खटाना नहीं, ऐसे ही अच्छा मिले जब आपको नंबर दिया था। देखो कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। क्यों लोग प्यार करते हैं, बच्चे तो हवा का मजा लेंगे। भगा 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 बच्चे तो आते हैं जाएंगे, बताना पड़ेगा तो कहीं के उनके अपने को कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। ये लोग का बहुत डर लगता है भाई, खाना कभी भी किधर घुसा देते हैं, राइट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, राइट में, बहुत ही डर लगता है। एक देर में चलना चाहिए, राइट वाले देर में चलना चाहिए, फटाफट निकल जाना चाहिए। लकी नंबर है, इंटरनेटेड कुछ भी काम करो अच्छा ही होता है। बट वो एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से लेफ्ट है ना अपने को करके 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर करके। अच्छा ये रोड पे हम लोग पहली बार जा रहे हैं, पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है। होटल पूर्वा में जाएंगे अभी हम, डीरेक फास्ट करेंगे, डीरेक फास्ट, डीरेक फास्ट ब्रेकफास्ट वे टू एसी। एसी में जाना है नॉन एसी में जाना है, पूछते हैं इनसे किस में जाना है। तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया, अभी अपन जा रहे डायरेक्ट वहीं जा कर रुकेंगे, माथेरन।
चलने दो भैया। ये गलत बात हो जाती है। और ये घुमावदार रास्ता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं दाएं बाएं, थोड़ा मोड़ा है, ज्यादा नहीं। चलते रहो बस चलते रहो, ओ बल्ला चाओ बल्ला चाओ बल्ला चाओ चाओ चाओ। ये किधर जा रही है? क्या भैया ये एनडी स्टूडियो फिल्म स्टूडियो है क्या? बॉक्स ऑफिस क्या है? एनडी फिल्म वर्ल्ड। भागा भागा भागा। परजत मोरबे बसाहत, मोरबे कॉलोनी। अच्छा, बरसाहत, बरसात क्या निका होता है? बरसाहत कॉलोनी का अंदर, बरसाहत मोरबे कॉलोनी, वसाहत। अच्छा वसाहत, चलो इसी बहाने थोड़ा मराठी के वर्ड सीख लेंगे। वसाहत मतलब कॉलोनी, वसाहत। रास्ता तो यही है, दोनों कहाँ घूम गया? ओ नो नो, किधर गए? दिख नहीं रहे हैं, सब तो यही रहा है। यही है, यही है। आगे दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। आगे और यहाँ से चढ़ाई है पूरा, कितना देर, आधे घंटे की चढ़ाई है पूरी। थोड़ा सा भगवान बारिश कर देते ना, बहुत मजा आता हल्का सा। क्या ना सर, रोड गर्म है और हवा भी चल रही है, जो अभी दोपहर का टाइम हो गया तो पूरा गर्म हवा आ रहा है, गर्म गर्म, इतना हॉटनेस। कुछ भी कहो लेकिन यार महाराष्ट्र में खूबसूरती बहुत है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा। चलो भाई चलो, चलते रहो बस चलते रहो चलते रहो। वो टेक्निक यहाँ चार पे उठाना पड़ेगा, पांच पे उठा नहीं रही गाड़ी। चलो 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 यार,
पिक्चर बहुत पै पै कर रहा था, इसलिए उसको छोड़ के आगे आ गया। पै 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 भाई, ये घाट वाले रास्ते एक के पीछे चलते रहो धीरे धीरे, क्या टेकवा करने की कोशिश करते हैं। एक के पीछे करोगे आराम से पहुंच जाओगे, इतने भी लोगों की जल्दी है। देखो पै 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 भाई, आगे वाले को रास्ते देखेगा तो देखा नहीं आता है, क्या जरूरत है करने की। पूरा घुमावदार है, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। चलो 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 फटाफट करो फटाफट। मान गांव वादी, बारिश खत्म होता है तुरंत, नहीं सारे ना ड्रेनेज है ना पानी वाले। क्या झुंपा पट्टी, झुंपा पट्टी अभी 8 दिन लग जाता है क्या कोई शायद, पता नहीं। 27 मिनट और हैं, अच्छा वही वाला ट्रेन लग जाता है धीरे धीरे के बाजू से हम लोग जा रहे हैं। ट्रेन में जाने का अलग ही मजा होगा यार, तो एक बार ट्राई करना चाहिए। कान बंद हो गया यार पूरा, ये अंकल को बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, उसी का नाम नहीं लेते, भाग रहे पै 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 भाग रहे पै। ट्रेन कहाँ गया, अरे ट्रेन कहाँ गया भाई, झुम्मा पट्टी, झुम्मा पट्टी इसके में चलाना है। ऐसे चाहिए ये खाई दे, ठीक है अब दोनों तरफ से ना कीड़ आ गए हैं तो गर्मी नहीं लग रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड भगवान वेरी गुड, ऐसे ही कर दो थोड़ा ठंडा मौसम फटाफट गिर जाए। ये पूरा उठाव आ गया, गुड गुड गुड, अब मजा आ रहा है। दिखा कुछ तो दिखा, क्या दिखा, पानी तो नहीं दिखा, हाँ थोड़ा रहा है पानी। थोड़ा थोड़ा पानी है, यही ट्रेन जाती है क्या, अरे कितना, ये तो वो भी नहीं है, ये छोटा गेज होता था, कौन था एक मीटर गेज होता था, एक ब्रॉड गेज होता था और एक उससे भी छोटा वाला होता था, छोटा वाला गेज। नेपाल जाते थे तो उस टाइम पे एक ट्रेन चलती थी हमारे गांव से, वो भी टॉय ट्रेन जैसी लगती थी, दूरी छोटी छोटी। ये रहा सावधान, लोग भुट्टे का मजा लेते हुए मैगी का मजा लेते हुए, पानी है क्या, लोग मजे तो ले रहे हैं, नहीं पानी है, हाँ ले रहे हैं पानी है। ओए होए गाड़ियाँ तो आती आ रही है,
45 minutes है। चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे। डिंग 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 डिंग। चलो ज़्यादा लेट नहीं किया हमने, मानसून खत्म होने के बाद तुरंत ही आ गए, तो रास्ते पे चलाना है मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं हो रही क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, और थोड़ा मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा मिल गया, और भी थोड़ा पानी वानी भी मिल जाएंगे अपने को, वाटरफॉल छोटे 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 छोटे। यहाँ पे बैठने का किसी को मन ही नहीं करता है, तो बाहर ही निकलना है। सिंगल वाला रास्ता जी, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। कान बंद हो गया। MTDC रिजॉर्ट माथेरन चढ़ गया। गुड। ये टॉय ट्रेन वाला रास्ता, ट्रेन चल नहीं रही है। ठंडा हो चेहरे पर अच्छा लग रहा। आंबा स्टॉप लुक गो। ट्रेन है क्या? हाँ रुको देखो फिर बढ़ो। मानव रहित ट्रॉफी सेंटर। ठहराव लोगों का तो रास्ते रास्ते में मिल ही जाता है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहाँ। ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही जंबो जेट नहीं बन रही है कभी तो जरा में कभी। हॉर्न क्यों मारा? हॉर्न क्यों मारा? चलो 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 चलो। क्या है नीला आसमान, ये वो टेक ओवर करना है। चल 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 चल। 19 मिनट और है यार। चल दे चल दे। बंद हो गया क्या? एक किलोमीटर स्टेट हाईवे 109। चल भाई पांच पे डाल के खींच रहा हूँ मैं, कहाँ से खींचेगा अभिन पे? तीन पे डालना चाहिए, तीन पे भी नहीं दो पे डालो। मैं पांच लेके खींचे जा रहा हूँ, बेचारा थर्टी नहीं खींच पा रहा हूँ। गियर कम कर। चलो भाई। ओ माय गॉड, वो कौन सा लेक है? कौन सा है कौन सा?
बात है यार, अरे अरे जबरदस्त है यार, हैवी ड्राइवर है तुमसे। क्या वो गाड़ी नहीं जाएगा क्या? रुक के जाओ, अभी गाड़ी आ रही है दोनों तरफ से। चलो भाई और साइड। तो यहीं पे कहीं पे बाइक लगानी पड़ेगी, कहाँ लगाएं? ढूंढो किधर लगा है भैया। हाँ तो एक काम करते हैं, ये सबको थोड़ा इधर से शिफ्ट करते हैं। इधर ना गाड़ी को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, जगह है बहुत यहाँ पे, देख लेगा यहाँ पे बहुत जगह है, तो थोड़ा थोड़ा गाड़ी को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। मोटा कहाँ गया? हाँ ये कौन सी गाड़ी है भाई, थोड़ा उठाओ उधर से, इधर ले, इधर लेफ्ट, बस अंदर के खा के रखे। लेफ्ट राइट ले, राइट और यहाँ पे देख, यहाँ पे भी जगह है, ये इसको सीधा करेंगे ना हो जाएगा। इसको थोड़ा उठा इधर से, इधर कर दे,
हो गया पंचोद। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत बाइक को घीच घीच के लगाया है। अभी उठा बे, उठ ही नहीं रहा, पीछे से खींच साला, थका दिया एकदम से। रखा कसम, यहाँ पे अपन अब आ गए तो अपना नेविगेशन बंद करते हैं, बंद एयरप्लेन मोड पे डाल दो। रुक 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 रुक